श्रीगंगानगर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी के जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता की है और प्रदेश को 2024 के अंत तक साफ पानी मिलने का दावा किया। उन्होंने कहा राजस्थान को पंजाब से जो गंदा पानी मिल रहा है इसके मोटे तौर पर तीन कारण हैं, जिसमें लुधियाना का बुढ़ू नाला से निकलने वाला इलेक्ट्रो प्लेटिंग और डाइंग फैक्ट्रीज का अपशिष्ट, दूसरा लुधियाना शहर के सीवरेज का गंदा पानी और तीसरा अनाधिकृत ड्रेनेज का अपशिष्ट पानी। उन्होंने कहा कि इसके समाधान के लिए केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को 750 करोड़ रुपए गंदा पानी को साफ करने के लिए दिया था, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। में जो बुढ़ा नाला और इसके अतिरिक्त दो और ड्रेन से पानी सतलज के दरिया में डाला जाता है, उससे पंजाब के कुछ क्षेत्र को और राजस्थान के में दूषित पानी की समस्या आती है। विषय वर्षों से मेरे संज्ञान में, क्योंकि मैं सीमावर्ती क्षेत्रों में वर्षों तक काम करता रहा। हमने पहले भी एक एनजीओ के आधार पर न्यायालय में जाकर के भी इसके ऊपर केस जो है वो कंटेस्ट किए। जनशक्ति मंत्री बनने के बाद में पंजाब की तत्कालीन सरकार के साथ बैठ करके हमने इसकी विस्तृत वृहद योजना बनाई। तीन तरह की चुनौतियां इस गंदे पानी में गंदगी के कारण हैं। एक, लुधियाना का अनट्रीटेड या सेमी ट्रीटेड सूअर जो सीधा सतलज दरिया में डाला जाता था, शहर का गंदा पानी। उससे बड़ी चुनौती जो थी वो वहाँ जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की और डाइंग की इंडस्ट्रीज है उनका वेस्ट जो है, जिसमें हैवी मेटल्स भी हैं, हैजर्डस केमिकल्स भी हैं, ऐसा पानी भी अनट्रीटेड दरिया में डाला जाता है। और तीसरा, लुधियाना के आउटस्कर्ट्स में सैकड़ों की संख्या में ऐसी इलीगल डेरीज हैं जिनका अपशिष्ट भी सीधा इसमें डाला जाता है, जो बहुत बड़ा बायोलॉजिकल लोड जो है इस दरिया के नदी के पानी में जो है वो एडिशन कर रहा है। इसका एक हॉलिस्टिक प्रयास जो है समाधान हो सके, इसको लेकर के 750 करोड़ रुपए की योजना बनी और वो पैसा हमने अपने मंत्रालय से पंजाब सरकार को दी। लेकिन दुर्भाग्य से जिस गति के साथ में काम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ सरकार परिवर्तित हो गई और जो सरकार अभी बनी है वर्तमान में, पिछली सरकार भी जिस गति से काम करना चाहिए कांग्रेस की वो नहीं कर पाई और वर्तमान की सरकार को भी जिस गति के साथ में काम करना चाहिए वो नहीं कर पाई।